हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जो गाड़ी है फोर्ड की एस्पायर, जो सब फोर मीटर सेडान आती है, जो BS6 में आई है। और इसके कंपटीशन की बात करें तो ये होंडा अमेज है, स्विफ्ट डिजायर है, हिंडे और है, टाटा टिगोर के साथ ये कंपटीशन करती है। और जानते हैं कि क्या ये चारों से ये बेहतर है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहें, चैनल बनाए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंजन ऑप्शन की बात करते हैं। इंजन ऑप्शन की बात करेंगे तो पेट्रोल में देखिएगा तो इसमें आपको TIVC पेट्रोल इंजन आती है, जिसकी 1194 cc का इंजन आता है, जिसकी पावर की बात करें तो 94.93 BHP की पावर देती है। वहीं टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 119 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल में आता है TDCI डीजल इंजन, जिसमें आपको 1499 cc का इंजन मिलता है। वहीं अगर पावर की बात करें तो इसमें आपको 98.96 BHP की पावर मिलती है। और टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 215 Nm का टॉर्क मिलता है। तो अगर आप फन टू टाइप के शौकीन है तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, खास करके डीजल। चलिए अब गाड़ी को फ्रंट से बात करते हैं। हम लाइटिंग की बात करें तो आपको किसी भी मॉडल में इसको HID या विथ DRL नहीं मिलती, सब में आपको हेलोजन हेडलाइट मिलती है विथ टर्न इंडिकेटर। वहीं आप फॉग लैंप की बात करें तो इसको सी शेप में फॉग लैंप दी गई, जो क्रोम सेल लाइनिंग की गई, इस वजह से काफ़ी फ्रंट से अच्छी लगती है देखने। वहीं इसके अगर आप फ्रंट बम्पर की बात करें तो इसको क्रोम से गार्निश की गई, इस वजह से भी काफ़ी दिखने में अच्छी लगती है, और बीच में फोर्ड का लोगो। और वहीं अगर हम अप मार्केट या एक फ्यूचर की बात करें तो इसमें आपको रेंज सेंसर वाइपर दी गई, जो काफ़ी एक बेहतरीन फ्यूचर है और फ्रंट से गाड़ी देखने में अच्छी लगती है। वहीं अगर इसकी कंपटीशन की बात करें तो ये होंडा में स्विफ्ट डिजायर, हिंडे और टाटा टिगोर से कम्पटीट करती है। वहीं इसके अगर प्राइजिंग की बात करें तो 609 लाख से लेकर 8.64 लाख की ये प्राइजिंग करती है। चलिए अब गाड़ी को साइड से जानते हैं। साइड से सबसे पहले हम इसकी एलो व्हील की बात करें तो इसमें आपको 17 इंच का एलो व्हील देती है विथ मल्टी स्कोप, जो काफ़ी एक स्पोर्टीनेस गाड़ी देखने में लगती है। वहीं इसकी हम अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। वहीं इसके अगर हम डोर हैंडल की बात करें तो इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलती है, तो काफ़ी एक अच्छी देखने में लगती है। वहीं इसके अगर हम ORBM की बात करें तो इसमें आपको टर्न इंडिकेटर ORBM देती है, जो काफ़ी एक बेहतरीन फीचर। वहीं आप ऊपर देखिएगा तो इसमें आपको एंटीना दी गई है, तो इससे भी गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो ये इसकी लेंथ की बात करें तो ये आती है 3995 mm की इसकी लेंथ है। वहीं अगर हम विड्थ की बात करें तो इसकी में आपको 1704 की विड्थ है, और हाइट की बात करें तो 1525 की हाइट है। वहीं अगर हम इसके व्हील बेस की बात करते हैं तो ये आपको 2490 की व्हील बेस आती है। और साइड से गाड़ी देखने में एक कॉम्पैक्ट सब फोर मीटर सेडान की जो डायमेंशन होती है उसी हिसाब से इसको भी बनाई गई है। तो चलिए अब गाड़ी को रियर से भी जानते हैं कि देखने में रियर से कैसी लगती है। रियर से बात करें तो इसके टेल एम की बात करें तो इसमें कोई भी आपको LED नहीं मिलती, इस समय आपको हॉरिजन मिलती है, टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, फिर ऊपर में इसमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दी गई है। वहीं अगर आप लाइनिंग देखेगा तो बीच में इसमें एक ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई, इस वजह से गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं अगर लेफ्ट साइड में इसमें फोर्ड की बेजिंग दी गई है, और राइट साइड में इसमें जो भी आप सेगमेंट की गाड़ी लेंगे टाइटेनियम प्लस उसकी बैजिंग दी गई। इसमें बैक में आपको अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 360 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं अगर हम इसमें आप देखिए तो इसमें आपको रियर में कैमरा मिलता है, पार्किंग सेंसर मिलता है, और बम्पर भी काफ़ी देखने में ठीक है, डिसेंट सी है। तो चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेयरिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको पावर स्टेयरिंग मिलती है, जिसमें आपको बटन मिलता है, जिससे आप ये टेलीफोनिक सिस्टम फ़ोन कट रिसीव कट कर सकते हैं, कोई म्यूजिक आप सुन रहे थे उसको वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता, और इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर प्रोवाइड करें, जैसे कि आप इसमें डिजिटल क्लॉक मिलता, डिजिटल और ट्रिप मीटर मिलता, और ऐसे काफ़ी सारे फीचर, जैसे कि आप इसका माइलेज देख सकते हैं, आपकी गाड़ी की एवरेज क्या दे रही है, इस वजह से ऐसे काफ़ी सारे फीचर है इसमें आपको मिलता। वहीं आप इसके सेंटर कंसोल में देखिएगा तो इसमें आपको 7 इंची का टच स्क्रीन मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एपर कार प्ले और ऐसे काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की भी फीचर दी गई है, तो काफ़ी बेहतरीन फीचर है। और इसमें आपको चारों पावर विंडो मिलते हैं, और यहाँ से आप अंदर से ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे में देखिएगा तो नीचे में भी आपको काफ़ी सारे फीचर बटन दिए गए, जिससे आप AC को ऑपरेट कर सकते हैं। इसी ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो काफ़ी डिसेंट सा इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। वहीं अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें आपको ABS, CVT और लोअर वेरिएंट, सभी वेरिएंट आपको दो एयरबैग और ABS, CVT
दी गई है। वहीं अगर आप टॉप वेरियंट लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में कोई आपको प्रोवाइड नहीं कराता। वहीं इसमें आप देखिएगा तो इसमें आपको इंजन इमोलाइजेशन का मिलता है, एंटी थीप अलार्म मिलता है और ऐसे काफ़ी सारे फीचर आपको इसमें मिलते हैं। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से ये 6.09 लाख से 8.64 लाख की प्राइसिंग करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर